सतगुरु अपुल हुंदे हन उह कदे भी नाम दान देण लगे गलती नहीं करदे गे। परमात्मा ही इंसान दे रूप विच इस संसार विच आया हुंदा है। बुल्ले शाह ने कहा मौला आदमी बनाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि हुण उस परमात्मा का नाम ही रामदास पै गया है। मैं भी एक भजन अपने परम पिता कृपाल दे जीवन काल विच लिखिया और बोलिया सी, रब बंदा बन के आया। संत सतगुरु नामदान देण वक्त साढ़े अंदरों इस किस्म का प्रबंध कर देंदे है कि असी परालब्ध कर्मा का भी हिसाब किताब चुकाते रहने हैं और अंदर तरक्की भी करते रहने हैं। जो सिख सतगुरु दे हुक्म की पालना करन लग्या ढिल करता है वह गमी और खुशी का शिकार हुंदा रहिंदा है। जो संत सतगुरु का हुक्म प्यार नाल भरोसे नाल मनते हैं उन्हां नूं शांति वाला धन प्राप्त हो जाता है। कोई भी माता नहीं बच्चे नूं दुखी दे के खुश, बच्चे नूं पता नहीं मेरे किहड़ी गल फायदे दी है, किहदे विच मेरी बेहतरी है। कई दफा माता बच्चे नूं कड़वी दवा भी लिया के दिंदी है। इस तरह जब तक असी नौ द्वारियां दे विच बैठे हैं असी रोगी हाँ बीमार हाँ, सतगुरु सानू वही चीज़ दिंदा है जिहड़ी साढ़े फायदे विच है। सानू हिम्मत नहीं हारनी चाहीदी, भरोसा रखना चाहीदा है, मेहनती बनना चाहीदा है, अपने अंदर जाना चाहीदा है ताकि जो गुरु रहमत साढ़े उपर कर रहा हुंदा है दिन रात असी उसनू खुद देख के भरोसा कर सकीए। बड़ा सुहावना मौका है, सानू इस मौके तो पूरा फायदा उठाना चाहिए है। मन नू शांत करना है, शांत मन ही अभ्यास कर सकता है। अभ्यास नू बोझा नहीं समझना, प्रेम प्यार दे नाल करना है। बाहर किसी खुराक की तरफ तवज्जो नहीं देनी, मन नू बाहर भटकन नहीं देना, तीसरे तिल ते एकाग्र करना है क्योंकि साडे घर का बूहा ही तीसरा तिल है। साडे सफर की शुरुआत ही इत्थों हुंदी है। हाँ भाई बैठे।